अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खेले सुनिए, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे। ठीक है, आज जो है मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी तो अम्मी ने चाय रेडी कर दी थी और साथ ही साथ जो है नाश्ता मंगवा लिया था अम्मी ने। तो बस अब नाश्ता करके मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूँ, तो ये ब्लॉग जो है शुरू कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, कॉमेंट कर दे। और यहाँ पर जो है अस्मा ने फुलकियाँ मंगवाई। इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ, ये भी बहुत एक्साइटेड होती है, इसको पता है कि इसका वीडियो शुरू होने वाला है। हाँ बाबा, सलाम कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय, सलाम कर दो, सलाम कर दो, सलाम कर दो। अच्छा, मीरब की तबीयत जो है सही नहीं है, ठीक है, तो इसको जो है मैंने अभी शहद थोड़ा सा और हल्दी जो है इसको थोड़ी सी उसमें ऐड करके गर्म करके इसको खिलाइए ताकि। और जी, तो यहाँ पर मेरे सारे स्टूडेंट्स ने, मेरा बर्थडे था और ये सारा सरप्राइज़ इन्होंने दिया था मुझे, ठीक है, छोटा सा सरप्राइज़ था जो कि अस्मा के मोबाइल से शूट हुआ था, तो मैंने सोचा व्लॉग में ये सब ऐड कर दूँ, आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँ। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो मेरा बर्थडे जो है स्टूडेंट्स ने सेलिब्रेट किया था और बहुत मज़ा आया, ठीक है। और आज जो है कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। एक बहुत छोटा सा परिंदा कबूतर जो था बाहर बहुत ज़्यादा भीग रहा था और भी नहीं सक रहा था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखी है, अभी सुबह हम उसको आज़ाद कर देंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये रहा जी, यहाँ पे छिपा हुआ है इसको जो है, हमने ये सबके जूतों के ऊपर छिपा हुआ है, ये रहा जी, ये रहा, इसको जो है हम सुबह उड़ा देंगे। और ये यहाँ पे छुप के बैठ गया है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब जो है सुबह को जो है हम इसको आज़ाद कर देंगे, ताकि हर बंदे को अपनी लाइफ जो आज़ादी से जीनी चाहिए। चलिए जी, तो इसको जो हम सुबह आज़ाद करेंगे। और यार, हम कराची में रहते हैं और कराची में रह रहे हैं, बारिश है और लोड शेडिंग ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो लोड शेडिंग हुई है। इधर सलाम कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो, आनी को हाई फाई। नो 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 नो, हाई फाई करो, हाई फाई करो, हाई फाई। मीरब जो है अभी माशाल्लाह से काफ़ी मूवमेंट करना शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गई है, पकड़ के जो है हाथ पकड़ती है और चलना शुरू कर देती है। हाँ बेबी, मामू कैसे करते हैं, मामू कैसे करते हैं, बताओ मामू कैसे करते हैं। मामू की एक्टिंग करो, मामू कैसे करते हैं, नाना की सोन पड़ी, करो आप कैसे करती है बेटा, करो मामू कैसे करते हैं। चलो जी फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है, ठीक है, और अगेन जो है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो कराची में, इतनी तेज़ बारिश मतलब, और हम एंजॉय भी नहीं कर सकते क्योंकि तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो जी, तो अभी नाश्ते का टाइम है, जल्दी फटाफट से हम नाश्ते की तैयारी करें। और संडे का जो नाश्ता था, हलवा पूरी पराठे दोनों चीज़ें थे, शहजाद लेकर आया था सुबह सुबह, तो बहुत इन्जॉय किया हमने, बारिश भी हो रही थी और ये ज़बरदस्त मज़ेदार सा नाश्ता। रानी आ, नाश्ता कर ले मेरा बीबी, कहाँ काल है, हाँ नाश्ता कर रहा है मेरा बीबी, नाश्ता कर रहे और चलो जी, तो फ्रेश हो चुके हैं, हमने नमाज भी पढ़ ली है, ठीक है, इधर इधर कर दो, सलाम कर दो,
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मीरा भी बहुत समझदार हो गई है, इसको पता है ठीक है। और सलाम कर दो, सबका सलाम कर दो, बोलो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बोलो अस्सलाम वालेकुम कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई हाई फाई हाई फाई कर दो यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत समझदार, जितनी बड़ी होती जा रही है वैसे ही बहुत समझदार होती जा रही है ठीक है। तो आज जो है अम्मी अगेन बिरयानी बना रही है ठीक है। बिरयानी आप सबको पता है कि मोस्ट फेवरेट है मेरी, सही है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है अम्मी ने बिरयानी का जो सालन होता है ठीक है वो रख दिया है। अब जो है चावल बॉयल करके और ये सारी प्रिपरेशन अम्मा ही कर रही है ठीक है। मुझे पसंद है बिल्कुल मसालेदार स्पाइसी बिरयानी। हाँ बेबी यहाँ कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई हाई फाई। नानी पास जाने, नानी पास जाने, जाने नानी पास, गो चल नानी, बाय बाय जा रही, बाय बाय जा रही। ये रही जी सवैयां भी रेडी हैं, घी वाली जो कि घी में बनाती है अम्मी, बहुत ज्यादा घी डलता है, मतलब क्या बताऊं मैं, जो डाइट करें उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और बहुत मजे की बनती है, मेरे घर में तो सारे ही लोग बहुत शौक से खाते हैं, जब बिरयानी बनती है तो सोन पर आ जाओ, कम खाना खाने के लिए, कम कम। बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है यहाँ पर और सारे ही लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। अच्छा मीरब को जो है बाहर जाना है, आ जाओ कम नानी पास, आ जाओ 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 आ जाओ, इसको जाना है बाहर, आ जाओ बाय बाय जा रही हो, कम 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 आ जाओ, नो नहीं कर, रोएगी, बाय 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 कर दो, बाय 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 बाय, ऐसे किसी कर दो, किसी कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो, हाई फाई करो, हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई। अभी जो है उंजला ने ट्राई किया है, केक बनाए हैं ठीक है ब्राउनी टाइप, और उसको जो है मैं ओवन में यहाँ पे बेक कर रही हूँ, और अभी हम इसको निकालते हैं, चेकआउट करते हैं कैसा बना है। खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है, तो चले जी पहले हम इसको निकालें आराम से। ये बेक हुआ है, थोड़ा एक मिनट हम और कर देते हैं इसको, एक मिनट के लिए इसका टाइमिंग रख देते हैं अभी, और चले जी इसको हम देखते हैं एक मिनट के बाद मज़ीद क्या रिज़ल्ट आया है इसका। चले जी एक मिनट हो चुकी है, इसको जो है हम चेक करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसको चेक कर देते हैं ठीक है। चले जी ऑलमोस्ट डन है, इसको मैं चेक करती हूँ कैसा बना, फिर मैं रेट करती हूँ। शुगर कितनी डाली है, थोड़ा सा मीठा है, बाकी ओवरऑल ओके हैं ठीक है। और जी फ्रेंड्स तो अभी जो है हमने खाना बहुत जल्दी खा लिया था, अब जो बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं ठीक है। हम जो है ये आज फर्स्ट टाइम जो है हमने ये वाला फ्लेवर ट्राई करने वाले, 2x स्पाइसी जो है हमने रामेन ट्राई किया हुआ है, तो अब हम ये वाला रामेन ट्राई कर रहे हैं, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ठीक है। ये कार्बोना हॉट चिकन फ्लेवर रामेन है, तो इसको जरा हम ट्राई करते हैं, और ये भी मैंने सुना है थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इसको बनाने की मुझे क्रेविंग खाने की बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो चले जी हम पहले बनाते गैस वाली, चूँकि हम बनाएंगे स्प्लेंडर पे। और चले जी तो यहाँ पे हमने नूडल्स बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, ये रहा जी अब ये बॉयल होने वाला है, फिर इसके अंदर हम ये सॉसेस और सॉस, सॉरी और ये ऐसे मसाले हैं जो पता नहीं किधर किधर से धुआं निकालेंगे। नहीं ये फ्लेवर बस अच्छा होता है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। तुमने खाया पहले? खाया नहीं है तो फिर, बट वो 2x देखो रामेन रामेन है, 2x स्पाइसी रामेन रामेन है। अब हम ट्राई करेंगे, हम बताएंगे आपको कि बहुत ज्यादा स्पाइसी है या नहीं। हमने तो 2x खाया है। चले जी तो इसको हम तब तक बॉयल होने के लिए रख देते हैं फटाफट से, बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए फिर हम ये ऐड करेंगे। बॉयल हो चुके हैं, अब ये इसको हम निकाल लेते हैं, मेरे को देख लीजिए।
अच्छा ये भी स्पाइसी है बट उतना स्पाइसी नहीं है जितना 2x स्पाइसी था। चले जी फ्रेंड्स, तो अब हम व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। शकीला भी जा चुकी है ठीक है, और फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चलो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।